नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि बहुत विशेष होती है, तो इस समय में अगर किसी भी मनोकामना से आप कोई उपाय करते हैं, छोटा सा भी उपाय जो है वो बहुत काम का इस समय में हो जाता है, क्योंकि जो समय होता है नवरात्रि का बहुत विशेष होता है। माँ दुर्गा की इस समय में इतनी कृपा होती है कि इस समय में, इन 9 दिनों में, अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और अपनी मनोकामना माँ भगवती दुर्गा के सामने रखते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये 9 दिन बहुत विशेष होते हैं सभी के लिए, जो भी सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, जो भी हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए ये 9 दिन जो होते हैं बहुत विशेष होते हैं। तो इन 9 दिनों में लोग धन प्राप्ति के उपाय करते हैं, संतान प्राप्ति के, स्वास्थ्य के लिए और नौकरी, प्रमोशन, धन के लिए, हर चीज़ के लिए माँ से प्रार्थना की जाती है। हर चीज़ के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे कि उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण हो सकें। तो ये जो 9 दिन हैं, इन दिनों में आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे, शीघ्र विवाह के उपाय के बारे में। अगर आपका किसी भी तरह से विवाह जो है वो विलंबित हो रहा है, शादी में देरी हो रही है, उम्र निकलती जा रही है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, मनपसंद या फिर योग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं, सुंदर और श्रेष्ठ जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं अगर आप, तो आज की ये वीडियो आप पूरा अवश्य देखें। इस वीडियो में आपको बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत अचूक उपाय मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप इन 9 दिनों में अगर करते हैं, निश्चित ही आपको श्रेष्ठ और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए भी उपाय बताने वाली हूँ जो कि मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं, वो किसी से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वो प्रेम करते हैं। तो ऐसे में अगर आप मनपसंद वर पाना चाहते हैं या मनपसंद पत्नी पाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आप पूरा देखें। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको करना है इन 9 दिनों में, किस तरह से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करके आप उनको प्रसन्न करेंगे, जिससे कि माँ भगवती दुर्गा आपको शीघ्र विवाह का, मनचाहा जीवन साथी पाने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी और आपकी जो मनोकामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों, ये जो 9 दिन होते हैं विशेष, इन दिनों में आपको करना क्या होता है, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी होती है, सुबह शाम माँ के सामने जोत जलाना होता है, तामसिक भोजन किसी भी तरह से इस समय में नहीं किया जाता है, मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा किसी भी तरह से इस समय में सेवन नहीं करना चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश न रखें, घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाकर रखें, सकारात्मक वातावरण बना के रखें, आपस में कलह क्लेश ना करें, मन में किसी से भी, किसी के प्रति भी आप गलत धारणा, गलत विचार ना रखें। सबसे पहली शर्त होती है माँ भगवती दुर्गा के पूजा में कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रखें, अपने लिए भी सोच और दूसरों के लिए भी, किसी के लिए भी गलत ना सोचें। अपने लिए तो अच्छा आप सोच ही रहे हैं, किसी और के लिए भी आप बुरा ना सोचें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए या माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाने के लिए, आपको ये नियम तो ज़रूर फॉलो करने होते हैं कि आपको ये 9 दिन बहुत सात्विक तरीके से, बहुत सद्विचारों के साथ आपको बिताना चाहिए। व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप सुबह शाम माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें, तो इससे माँ प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, आज जो लोग भी शीघ्र विवाह के लिए चाहते हैं उपाय, जिनके विवाह में देरी हो रही है किसी भी कारणवश, तो वो लोग इस नवरात्रि में अपने घर में, अपने घर का जो पूजा स्थल है आपका, वहाँ पर आप माँ भगवती पार्वती और शिव जी की, शिव पार्वती की जो मूर्ति होती है या फिर चित्र, अपने पूजा स्थल में स्थापित कर लें, उनकी पूजा करें और उसके बाद आपको वहाँ पर बैठकर मंत्र जाप करना है। पूजा पहले विधिवत कर लें, उनकी धूप दीप नैवेद्य से अच्छे से पूजा कर लें, मन में श्रद्धा भाव रखते हुए। माँ दुर्गा की आपको पूजा करनी ही है नित्य प्रतिदिन सुबह शाम, उसके साथ उसके बाद आपको माँ भगवती दुर्गा की पूजा के बाद शिव पार्वती की पूजा करनी है और वहाँ बैठकर भगवान शिव के पास और माँ पार्वती के सामने ही बैठकर आप मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम मे देही कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको वहाँ पर बैठकर जाप करना है अपनी इच्छा अनुसार, जितनी मात्रा में आप इस जाप को कर सकते हैं, 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं या 11 माला कर सकते हैं,
जितना भी आप कर सकते हैं अपने समय के अनुकूल देख लीजिए कि आपके पास समय कितना है, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव और माँ पार्वती से अपने विवाह में जो भी बाधा आ रही है उसे दूर करने के लिए प्रार्थना करें, और योग्य और जीवन सुंदर जीवन साथी पाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन साथी पाने के लिए उनसे प्रार्थना करें। निश्चित ही आपकी प्रार्थना भगवान शिव और माँ पार्वती पूरा करेंगे। अगर आप पूरे 9 दिनों तक आप इन मंत्रों का जाप करते हुए और प्रार्थना करते हैं भगवान शिव पार्वती से, तो आपका विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होती हैं। दोस्तों, अगला जो उपाय है मनपसंद वर पाने के लिए, मनपसंद वर पाने के लिए आप किस तरह से उपाय करें। दोस्तों, नवरात्रि में अपने आसपास जो भी आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ जाकर आप भगवान शिव और माँ पार्वती पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, पंचोपचार उनका पूजन करें, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य हर तरह से भगवान शिव की और माँ पार्वती की आपको पूजा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है। आपको एक मौली लेना है, कच्चा धागा जो होता है जो हाथ में बांधते हैं कलावा, वो चाहिए आपको, और उससे आपको गठबंधन करना है पार्वती और शिव जी का। उस कच्चे सूत को आप शिव और पार्वती के को एक साथ लपेटते हुए, मतलब एक साथ उसके अराउंड आप शिव पार्वती के जो मूर्ति है उसके अराउंड आप एक बार 3 बार या 5 बार तक घुमा सकते हैं। गांठ नहीं लगानी है आपको, सिर्फ वो धागा लपेटना है। याद रखें, आपको गांठ नहीं बांधनी है, इसी को गठबंधन बोला जाता है। पिछली वीडियो में किसी ने पूछा था गठबंधन कैसे करना है, गठबंधन इसको ही बोला जाता है कि जो शिव पार्वती शिव परिवार जो होता है वहाँ पर जो शिव और पार्वती की मूर्ति होती है उनके आसपास आपको कच्चा सूत लपेटना होता है। आप एक बार लपेट सकते हैं, 3 बार 5 बार 7 बार इस तरह से आप धागा लपेटें और माँ भगवती दुर्गा से और माँ पार्वती और शिव जी से प्रार्थना करें कि आपका जो विवाह है वो शीघ्र हो जाए उस पर्सन से जिसे भी आप चाहते हैं, जिसे भी आप चाहती हैं कि इसके साथ मेरी शादी हो। आप उसका नाम ले सकती हैं मन ही मन और माँ पार्वती से और शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन पूजा करती हैं तो आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। उसके बाद आपको वहाँ बैठकर मंदिर में ही बैठ जाएं, अगर वहाँ पर आप बैठ सकती हैं तो, नहीं तो आप अपने घर में भी आकर ये मंत्र का जाप कर सकती हैं। लाल चंदन की माला लेनी है आपको, या फिर आप लें रुद्राक्ष की माला, और इस माला से आपको जाप करना है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ये मंत्र है जिसे आप मनपसंद वर पाने के लिए प्रतिदिन जाप करेंगी। 108 बार आप जाप कर लें, मतलब 108 मनके की माला होती है रुद्राक्ष की, एक माला आप जाप कर सकती हैं। अगर आपके पास समय है आप अधिक भी जाप कर सकती हैं, लेकिन एक माला कम से कम प्रतिदिन आप जाप अवश्य करें। 9 दिनों तक आप इन मंत्रों का जाप करें, इसके बाद भी आपको हर रोज एक माला जाप अवश्य करना चाहिए। कम से कम आप 3 महीने तक इस तरह से अगर ये उपाय करती हैं निश्चित ही आपको मनपसंद वर की प्राप्ति होगी। माँ पार्वती की पूजा आपको प्रतिदिन करनी है, माँ शिव पार्वती के साथ शिव जी की पूजा की जाती है, शिव पार्वती की पूजा आपको एक साथ करनी है। आप 9 दिनों तक मंदिर जा सकती हैं, चाहे तो रोज़ मंदिर जा सकती हैं, और अगर आप मंदिर नहीं जा सकती हैं किसी भी कारणवश मंदिर दूर है आप नहीं जा पा रही हैं तो एक दिन तो अवश्य जाएं जो पहला दिन आपका है, और जा सकती हैं तो 9 दिन पूरे जाएं। उसके बाद आप अपने घर में जो घर का जो पूजा स्थल है वहीं पर आप शिव जी और माँ पार्वती की पूजा करें नित्य। निश्चित ही अगर आप अच्छे विचारों के साथ सद्विचारों के साथ और सच्चे मन से आप शिव पार्वती की पूजा करती हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी आपके विवाह में बाधा आ रही है दोस्तों वो अवश्य दूर होगी। पंचोपचार आपको प्रतिदिन माँ पार्वती और शिव जी का पूजन करना है, अपने घर में भी धूप दीप नैवेद्य रोज अर्पित करना है, और इस तरह से उनकी पूजा करते हुए आपको 9 दिनों तक पूजा करने के बाद आगे भी आपको ये जाप और ये पूजा कंटिन्यू करना है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी का दिन होता है जो कि विवाह के लिए बहुत शुभ माना जाता है उनकी पूजा करना, तो 6ठे दिन नवरात्रि के 6ठे दिन आप विशेष रूप से माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करें, और हो सके तो नवरात्रि में आप पीले वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती की पूजा करें तो ये बहुत ही शुभ होगा और बहुत शीघ्र ही आपको फल दिलाने वाला होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मनपसंद पत्नी पाने के लिए आपको किस तरह से माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी है। मनपसंद पत्नी पाने के लिए आपको
नवरात्रि के जो नियम मैंने बताए बिल्कुल वैसे ही आपको नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। पंचोपचार आपको माँ भगवती दुर्गा की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी है। व्रत आप कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, नहीं भी करें तो भी सात्विक रहें। बस ध्यान रखें कि आपको इन 9 दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करना है, जिसमें कि लहसुन प्याज डला हुआ नहीं होना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन किसी भी तरह से आप इन 9 दिनों में नहीं करेंगे। उसके बाद आप जैसे पूजा आराधना करते हैं माँ भगवती दुर्गा की, तो आपके पहले दिन ही नवरात्रि का जो पहला दिन है उस दिन ही आपको भगवती दुर्गा से आराधना करनी है। अपनी जो इच्छा है मन में, जिस भी जीवन साथी को आप पाना चाहते हैं उसके नाम के साथ आप मन ही मन में उसका नाम लें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि मुझे मेरी शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए, तो माँ भगवती दुर्गा अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। साथ ही आपको रोज वहाँ बैठकर माँ भगवती दुर्गा के सामने आपको आसन बिछाकर, लाल आसन बिछाकर आपको बैठना है और माँ भगवती दुर्गा से प्रार्थना करनी है और एक मंत्र का जाप करना है प्रतिदिन। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, ये मंत्र है जिसका जाप आपको प्रतिदिन करना है। अगर आप इसका जाप प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करें और 9 दिनों तक आप इस मंत्र का जाप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मतलब जितना आपके पास समय हो उतना आप संकल्प पहले दिन ही ले लें कि आप एक माला जाप करेंगे, 3 माला, 5 माला या 7 माला। इस तरह से आपको मंत्र की संख्या पहले दिन निश्चित कर लेनी है और उसी संख्या के अनुसार आपको 9 दिनों तक ये जाप करना है। नवरात्रि के बाद आपको प्रतिदिन 1 माला जाप अवश्य करना है। कब तक करना है? वैसे तो जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए तब तक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 महीना आपको अवश्य करना है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा रही तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इन 9 दिनों में जो आप लोग मंत्र जाप करेंगे, चाहे शीघ्र विवाह के लिए करेंगे, मनपसंद पति पाने के लिए या मनपसंद पत्नी पाने के लिए, मंत्र संख्या आपकी निश्चित पहले दिन हो जानी चाहिए कि आप कितनी मंत्र संख्या, मतलब कितने माला जाप आप पहले दिन से शुरू कर रहे हैं, उतनी ही माला आपको 9 दिनों तक करनी है। आपका समय निश्चित होना चाहिए कि इस समय में आप बैठकर माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और स्थान आपका निश्चित होना चाहिए। अगर 9 दिनों तक आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ ज़रूर जाने की कोशिश करें कि आप वहाँ जाकर माँ दुर्गा से आराधना कर सकें। अपनी मन की जो इच्छा है वो माँ भगवती दुर्गा के सामने रखें और पूजा आराधना करें, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से मन में ये भाव रखते हुए कि माँ भगवती दुर्गा है और माँ है ये, तो जो भी बच्चों की इच्छा होती है माँ उसे पूरा करती है। अगर किसी भी तरह से कोई भी बाधा आ रही हो आपके मन की इच्छा को पूर्ण होने में, तो माँ उसे अवश्य हटाएंगी, उसे दूर करेंगी और आपकी इच्छा पूरी करेंगी। इस विश्वास के साथ अगर आप माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ भगवती दुर्गा को लाल फूल अवश्य अर्पित करें। गुड़हल के फूल माँ को अति प्रिय हैं तो वो आप अवश्य अर्पित करें। शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो शिव पार्वती की पूजा में आपको शिव जी को दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अगर आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप गाय का दूध प्रतिदिन शिव जी को अर्पित करें और पूजा करें उनकी सच्चे मन से। निश्चित शिव पार्वती की पूजा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह के शीघ्र विवाह के उपाय के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए अगर आप शिव पार्वती की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो लोग चाहते हैं कि उनका विवाह शीघ्र हो या मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। उन लोगों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन्हें इनकी आवश्यकता है, जो लोग चाहते हैं कि उनका विवाह शीघ्र हो, किसी तरह से उनके विवाह में देरी हो रही हो, या फिर जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कोई क्वेश्चन हो जो इसमें मैंने नहीं दिया हो जिसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।